मध्य प्रदेश के कैदियों के हाथों में अब पेट्रोल पंप होगा। 9 कैदियों को इस मामले में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जिनके हाथ में हथियार थे, अब उनके हाथों में पेट्रोल पंप का नोजल होगा। हत्या के आरोपी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते नजर आएंगे। इन हाथों में पेट्रोल पंप थमाकर सरकार इन्हें सुधारने का काम कर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बंदी कल्याण के लिए सरकार बहुत ही कटिबद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि बंदी लोगों का भी कल्याण होना चाहिए, उनको भी समाज में स्थापित होने का मौका मिलना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सौजन्य से माध्यम से एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ आपने और क्या पूछा, कितने पेट्रोल पंप की अनुमति और कितने 9 पेट्रोल पंप की सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी हुई है, जिसमें से 4th पेट्रोल पंप है।